Hello everybody, Sugandha here. Welcome to my channel. Today I'll discuss how to set limits in AutoCAD. Limit set करने के लिए you have to type LIM. Press enter. Limits हम coordinates की form में set करते हैं. For that we have to provide value for x, y. And limit जो है वो इस user coordinate system के हिसाब से set होती है. क्योंकि ये जो coordinate system है ये हमेशा screen के lower left corner पे होता है. And the origin lies there. That's why हम limit का lower left corner हमेशा 0,0 देते हैं. You can also notice command bar में आपको ये जो bracket है, this bracket over here, इसमें आपको 0,0 value show हो रही है. Command bar भी हमें ये option दे रही है कि limit जो है by default 0,0 पे set है. If you want to set the same, just press enter. अगर नहीं तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई भी value दे सकते हैं. बट क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई हम लिमिट की स्टार्टिंग 0,0 से ही करेंगे. सो सेट योर यूनिट्स टू 0,0. जस्ट प्रेस एंटर. व्हेन यू प्रेस एंटर यू सी कमांड बार सेज स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर. अपर राइट कॉर्नर जो हम सेट करेंगे वो हम अपनी ड्रॉइंग के अकॉर्डिंगली करेंगे. बाय डिफॉल्ट अभी 420,297 यूनिट्स पे सेट है. इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन अगर आप एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हो तो वो लाइन 420 यूनिट्स के अंदर अंदर होगी. एंड इफ यू ड्रॉ एनी लाइन ऑफ अराउंड 297 यूनिट्स इन वाई एक्सिस, वो वाली लाइन 297 यूनिट्स की लिमिट में होगी. सो आपकी ड्राइंग की जो भी लिमिट होगी अकॉर्डिंगली विल सेट लिमिट. फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ जो 100 यूनिट्स की हो एंड वो मेरी इस स्क्रीन पे इजीली शो हो जाए. फॉर दैट आई विल सेट माय लिमिट टू मोर देन 100 और इक्वल टू 100. सो लेट्स सेट द लिमिट टू 100,100. जस्ट प्रेस एंटर. एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप लिमिट सेट करते हो यू नीड टू अप्लाई जूम कमांड. जूम कमांड की शॉर्ट की होती है Z. प्रेस एंटर एंड यू नीड टू सिलेक्ट द सब कमांड ऑल. फॉर दैट यू हैव शॉर्ट की A. प्रेस एंटर. नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन इन X axis of 100 units, you see that line is in the limit. So this is how we set limits in AutoCAD. If you have any doubt, do write in the comment box. Channel को सब्सक्राइब कीजिए and hit that bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Thank you very much. Do click on the links visible on the screen if you want to watch other tutorials.